हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद व बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी। सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपने अपने बेबाक बयानबाजी के लिए आप जाने जाते हैं, और आखिरकार ऐसी बयानबाजियां और आप ऐसी इस तरीके से वायरल भी वीडियो भी आपकी काफ़ी वायरल हो रहे हैं जिसमें आपने मुसलमानों को लेकर के टिप्पणी की है, और 2022 में भी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी व्यक्ति या संप्रदाय पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, मैं मानसिकता पर टिप्पणी करता हूँ। वेद जो कहता है प्राण मात्र के लिए, हे नरा हे मनुष्य, इनका कुरान जो कहता है ऐ मोमिनो ऐ मुसलमानो, फर्क समझ में आ गया? वो पर्टिकुलर के लिए है, हम प्राण मात्र के लिए, हम पूरे संसार के लिए हैं, वो विशेष के लिए है। तो हमारा जो उनको ले देते हैं। फिर दूसरी चीज ये है जो सबसे बड़ी बात है, इसको संक्षेप में हम ये कह दें कि विचारधारा प्रभावित कितना कर रही किसको, शांतिपूर्वक अपने अपने ईश्वर को मानने वाले तमाम धर्म हैं, ईसाइयत भी है, बौद्धिस्ट भी हैं, पारसियन भी हैं, यहूदी भी है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर तो तमाम है, जैन है, सिख हैं, लेकिन ये सब अपने अपने धर्म को, अपने अपने देवता को, अपने अपने ईश्वर को मानते हैं, पूछते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, और संभवतः इसी कारण, ये नाम हमने तो नहीं दिया है जी। हमारा नाम दिया हुआ नहीं है, ये आतंकवादी नाम इनको दिया किसने? किसी व्यक्ति की दी हुई बात तो नहीं, मेरी दी हुई तो नहीं, बीजेपी की दी हुई तो है नहीं, ये मोदी जी ने तो कहा नहीं, अमित शाह जी ने तो कहा नहीं इनको जी। इनको तो पूरी दुनिया ने आतंकी कहना शुरू कर दिया, क्यों जी? तो विचार इनको करना चाहिए। सर आपने ये भी कहा था अभी कि परशुराम और राम भगवान को लेकर के ब्राह्मण समाज हिंदुत्व को लेकर के आप ही कह रहे हैं। देखिए, हमारी धर्म की रक्षा होती कहां से जी? आज स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए और उन्होंने कहा मैं गर्व से कहूं हिंदू हूं, इस शब्द को कहने के लिए, ये वाक्य कहने के लिए उनके पास आधार क्या था? धर्म ही था ना, हमारे धर्म की श्रेष्ठता थी। अब आप ये बताइए कि हमारे इस धर्म का संरक्षण और संवर्धन कहां से होता है? तो जाहिर सी बात है कि हमारे वेदों के अनुसार ब्राह्मण शब्द विद्वान के लिए, ज्ञानी के लिए, वेद का अर्थ ज्ञान है, आर्य शब्द जो आता है हमारे यहाँ इसका भी अर्थ विद्वान से है, यानी ये सब कुछ विद्वान के लिए था, ज्ञान विद्वान के लिए था। तो इस ज्ञान को सुरक्षित रखते हुए, कंठस्थ रखते हुए, भले वो उनकी जीविका उपार्जन बन गई हो, आज की तारीख तक इस स्थिति तक लाने का श्रेय किसको है? जी। ब्राह्मणों के साथ साथ और भी लोग हैं, ऐसा नहीं केवल ब्राह्मण इसको यहां तक लाया है, लेकिन ये बात सही है कि एक बड़ी भूमिका में हमारे धर्म की रक्षा करने वाला ब्राह्मण रहा है, और अगर वो धर्म का स्तंभ है, परशुराम जी क्या क्षत्रिय विरोधी थे? नहीं जी। परशुराम जी इनके कुकृत्यों के विरोधी थे। अगर किसी राजा ने प्रजा पर अत्याचार किया तो उसका उन्होंने नाश किया जी। किसी समाज का नाश नहीं कर डाला उन्होंने, अगर समाज का नाश होता तो राजा दशरथ कहां से आते, फिर भगवान राम कहां से आ जाते? अगर भगवान राम को लेकर के और फिर परशुराम को लेकर के यही सारी चुनाव को लेकर के हर 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 बार यही जातिवाद क्यों आ जाता है? देखिए, विडंबना है हमारे यहाँ,
एक्चुअली हम दूसरी तरह से इस बात को कह दें, आपकी बात को, हमारे ही धर्म पर प्रहार क्यों जी, हमारे पर ही उंगलियां क्यों उठती हैं, हमारा ही धर्म नीचे गिराने का प्रयास क्यों किया जाता है जी। मैं आपको बताऊं जी, जिस मोहम्मद की बात आपने की, ये कुरान मोहम्मद पर नाजिल हुई नहीं नाजिल हुई, एक तो खैर ये सब जाने, मैं तो इसको कूट रचित मानता हूं, एक अलग बात है जी। लेकिन ये नाजिल हुई इनके ऊपर, उन्होंने अपने चार सहाबाओं को बताई, चार सहाबाओं से कहा इस कुरान को फैलाइए, उन्होंने अन्य सहाबों को दी, 300 साल के बाद ये संग्रहित कर ली गई। 300 साल के बाद नाजिल कुरान संग्रहित हो जाने के बाद उसके ऊपर सबने यकीन कर लिया, सबने यकीन कर लिया, किसी ने टिप्पणी नहीं की कि ये इसमें हेरा फेरी हो गई होगी, एक शब्द नहीं बोला। अगर हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारी श्रीमद् भगवद गीता जी, अगर ये संग्रहित हुई है, अगर ये संग्रहित हुई है और श्रुति और स्मृति के आधार पर हुई है, तो ये टिप्पणी हमारे ऊपर क्यों जी। और रह गई ईश्वर पर प्रहार करने की बात, मैं वेद के द्वारा सिद्ध कर दूंगा कि बनाने वाला ही तो जानता होगा कि ये सृष्टि क्या है, सृष्टि की विषय में अगर ऑथेंटिक जानकारी है तो हमारे वेदों में है, अन्य किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं है, रचयिता ही अपनी रचना को जानता है। महिलाओं के खिलाफ भी कुछ ऐसी बयानबाजियां करते हैं सर, तो फिर नहीं देखिए, मैं महिलाओं के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करता हूँ, देखिए एक मैं एक सुधारवादी दृष्टिकोण रखता हूँ, जहाँ पर गलत है उसको गलत कहना चाहिए, जहाँ पर सही है उसको सही कहना चाहिए। मैंने कभी भी महिलाओं एक वीडियो हमारे द्वारा आया हुआ था, उसमें आपने ये कहा था कि क्षत्रियों को क्षत्रिय, पंडित को पंडिताइन, और जैसे वैश्यों को अगर वैश्य, क्या आपने क्या कहना चाहते थे सर आप? देखिए वो दया शंकर सिंह जी ने मायावती के लिए कहा था जी। तो मैंने कहा, उन्होंने कुछ बोल दिया होगा, तो हमने कहा कि भाई अगर क्षत्रिय की पत्नी क्षत्राणी कहोगे, तो अगर वैश्य की पत्नी है तो उसको क्या कहोगे, वैश्या नहीं कहोगे, लेकिन वैश्य और वैश्या में अंतर होता है, मैंने वैश्या शब्द का इस्तेमाल किया। चाचा भतीजे का गठबंधन हो गया है, दोनों मिल चुके हैं सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फर्क क्या पड़ता है? देखिए घुड़साल में कितने घोड़े होंगे इसकी कोई गिनती नहीं करता जी, घुड़साल में रहेंगे तो घोड़े घोड़े घुड़साल है जी। घुड़साल है, एक बजाय 10 आ जाए, सवारी गांठने वाला तो इन पर सवारी गांठ ही लेगा। सर आप मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? बिल्कुल नहीं करता हूँ सर। आपने वीडियो में कहा था कि अगर वीडियो वोट देना है तो आओ पाकिस्तान को लेकर के, फिर हिंदुस्तान को लेकर के, आपने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपने धमकी देने की बात भी कही थी सर। मैं दूसरी बात कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका कोई धर्म ही नहीं है, आपको तो बरलाया गया है। सर कैसे धर्म नहीं है, धर्म तो सबका होता है ना सर। नहीं, उनका अपना धर्म है, लेकिन देखिए जो जो चीज वो मानते हैं वो चीज एक्चुअली धार्मिक आधार पर उसकी श्रेष्ठता कहीं पर कहीं नहीं जा सकती। सर आप दो तरफा बातें कर रहे हैं सर, अभी आपने कहा धर्म नहीं है और आप एक तरफ कह रहे हैं धर्म है। मैं दो तरफा बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ आप, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम धर्म इसलिए धर्म नहीं है कि मैं इसे मानता हूँ कि आदिकाल से सनातन धर्म हिंदू धर्म ही था, वो एक्सेप्ट वो भी कर रहे हैं कि हम सब पहले हिंदू थे जी। तो हम ये कह रहे हैं कि काहे अपना जबरदस्ती अल्लाह अल्लाह करके मतलब जो है अपने को अलग किए, अरे आ जाओ अपने धर्म में, मूल धर्म में वापस आ जाओ, हमारा दुनिया का विवाद खत्म हो जाए, फायदा क्या है लड़ाई झगड़े से जी। विकास के रास्ते पर जाओ, उन्नत के रास्ते पर जाओ, अपनी जिंदगी के साथ अपने बच्चों की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो मदरसों में पढ़ा पढ़ा कर। मेरा ये कहना है सर, वसीम रिजवी जैसे कर आए हैं उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? वसीम रिजवी ठीक आ रहे, सभी को आना है एक दिन,
मैं आपको बता दूं। तो सर वो राजनीति को लेकर के आए हैं, फिर किस तरह की वो अब राजनीति नई नए दौर में क्या राजनीति लेना। मैं राजनीति की बात ज्यादा नहीं करता हूँ, मैं बात अक्सर धर्म की ही करता हूँ और धार्मिक आधार की ही। तो सर इन, इन, ये धर्म को लेकर भी ये भी हो सकता है सर की मुद्दा उठाएं, तो सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में। देखिए मुद्दा कौन किस तरीके से उठाता मैं नहीं इस बात को जानता हूँ, उनका काम उनका मेरा काम अपना है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अब इस दुनिया में जी। इस दुनिया का कल्याण दुनिया में शांति तभी पैदा होगी, ये अशांति तभी खत्म होगी जब मुसलमान या तो परिवर्तित हो जाए या फिर अपने अंजाम को पा जाए। जी सर विकास के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे। ये विकास के लिए हमारी अगर बेबाक राय अगर ली जाए वो तो ये है कि एक शब्द आता है सिस्टम जी। किसी भी बुराई की जड़ अगर बगैर पढ़े लिखे आदमी से भी पूछ लिया जाए, रिक्शे वाले से भी आप पूछें, तो हर बुराई की जड़ में कहता भैया सिस्टम दोषी है। और ऐसा नहीं है, ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, तमाम मुद्दों के साथ में व्यवस्था परिवर्तन की बात कही गई थी, नहीं हुआ। बीपी सिंगल हुए, कांग्रेस के सिस्टम के खिलाफ हुए। अन्ना हजारे आए, कांग्रेस के सिस्टम के खिलाफ है। बुनियादी जड़ जहां पर है सिस्टम। बहुत सारे लोग जन रथ यात्रा और जन विश्वास यात्रा बहुत सारी यात्राएं रैलियां कर रहे हैं, तो सर कोविड का भी काफी ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है, तो ओमिक्रॉन भी आ चुका है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है सर। देखिए जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो किसी चीज से डरता वरता नहीं है, और ईश्वर जो चाहता वही होता है। तो सर अगर डरता नहीं है तो फिर लॉकडाउन फिर लगाया जाना सरकार की तरफ से। देखिए ये सरकार की व्यवस्था है, सरकार हमें कैसे बचाएगी कैसे सुरक्षित करेगी वो जाने, हम अपने को कैसे को सुरक्षित करते हैं ये हम जानते हैं। हम तो वही सीधी सीधी बात जानते हैं, हम ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं और हमें जानते हैं कि जो ईश्वर चाहेगा वही होगा, जो अम्बेडकर चाहेंगे वो नहीं होगा, सीधी बात। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद तो बीजेपी नेता रणजीत बहादुर श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमें बताया कि वो चुनाव को लेकर के और हिंदू मुस्लिम पक्ष के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने हमें बताया। मैं शिल्पा तिवारी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, लखनऊ।